Hi, I'm Indapreet Kaur Ahluwalia, mother of Nimrit Kaur Ahluwalia, who is right now in Big Boss 16, and you're watching me on TeleGlam. Thank you. Hi, Anju, welcome to TeleGlam. Hi. Okay, so Anju, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे निमृत का, you know, हाल ही में हम लोगों ने ब्रेकडाउन देखा है, तो इस ब्रेकडाउन के बारे में जानना चाहेंगे जो उन्होंने रिवील भी किया था. तो आखिर ये ब्रेकडाउन, ये डिप्रेशन, क्योंकि निमृत जैसी दिखती है वो हमें यू नो डाइजेस्ट करना बहुत वो हो रहा है कि हाँ, निमृत भी डिप्रेशन से जा सकती है. तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि व्हाट वाज द थिंग जिस वजह से यू नो उनके मेंटल हेल्थ पर इतना असर हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मेंटल हेल्थ इश्यूज हम जैसे लोगों को ही होते हैं. इट्स रियल एंड इट्स हैपनिंग वर्ल्ड वाइड, स्पेशली पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों को हो रहा है. और अगर निमृत बाहर से हंस रही है या इन्जॉय कर रही है लाइफ, दैट इज़ वॉट द टेक इज़, कि जस्ट बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डज नॉट मीन कि आप जीना छोड़ देंगे. आप हर सिचुएशन में आप खड़े होते हैं. शी इज़ बाउंसिंग बैक, शी इज़ लिविंग अ लाइफ टू द फुलेस्ट, बट देर आर सिचुएशंस जिसमें वो ट्रिगर हो जाती हैं. आई सेड वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही है. शी इज़ नेवर शाइड अवे फ्रॉम इट. वो पहले भी उसको ये प्रॉब्लम हुई थी लास्ट ईयर, बट उसने फिर भी छोटी सदानी में शहर का किरदार निभाया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया. सो अगर कोई एक ऐसा इशू आता है तो दैट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम लिविंग योर लाइफ, फ्रॉम इन्जॉइंग योर एक्सपीरियंसिस. हाँ, उस सिचुएशन में, उस घर में बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है. बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ भी हुआ है, वेयर दे हैड देयर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स. सो निमृत के साथ भी हुआ है. एंड आई थिंक वी एज a country, as a society, want, should, and I think everybody is mature enough to accept it, that this is normal. Yes, right. Aunty, iske alawa ye jana chahenge, abhi filhal ke liye jo group bana hua hai, two groups mein, you know, ye ghar bad chuka hai, to ek group mein wo nimrit hai. बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि जिस ग्रुप में निमृत है वहाँ पर से उनका गेम कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है, वो ओवरशैडो हो जा रही है. और कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो हर टाइम यू नो साजिद के लिए स्टैंड लेती है या साजिद के लिए ही फाइट करती नज़र आती. आपका इसके बारे में क्या कहना है? अगर साजिद बाहर आ जाते हैं तो उनका गेम कितना वो एक्सप्लोर कर सकेंगी? और ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि वो साजिद जी के लिए ही खड़ी हैं और साजिद जी के साथ में ही कर रही हैं वो. यस, उन्होंने एक देखिए, बाहर से जब आप जाते हैं आप किसी को नहीं जानते, बट निमृत डेफिनेटली ऐसा इंसान है जिसने इतने कुछ महीनों में बॉन्ड्स बनाए हैं, रिलेशनशिप्स बनाए हैं, फ्रेंडशिप्स बनाई हैं, और वो लॉयल रहती है. उसको जब ठीक होता है तो वो ठीक के साथ देती है. जब जब साजिद जी और अर्चना का वो हुआ था इंसिडेंट, तब भी निमृत उनके साथ समझाने की कोशिश कर रही थी उनको. एंड वो जहाँ पे जिसको ज़रूरत है अपने फ्रेंड्स को, उनके साथ खड़ी है. सो ये भी एक लॉयल्टी होती है फ्रेंड्स के लिए. बाकी ग्रुप्स तो सब जगह बनते हैं, और निमृत को बिना किसी बात का मुद्दा बनाना और किसी को पोक करना, दैट इज़ नॉट हर. तो अगर वो उसकी, अगर लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि एज अ वीकनेस, तो दिस गेम इज़ नॉट ओनली अबाउट एग्रेशन और टॉकिंग अबाउट यू नो रेजिंग अप इश्यूज. इट इज़ डेफिनेटली अबाउट स्टैंडिंग फॉर राइट एंड रॉन्ग. और जब भी उसको लगा है गलत हुआ है, वो उसने अपना ओपिनियन रखा है उस बारे में. यस, हमने ये तो देखा है, हमने यू नो लीडरशिप क्वालिटी है. और वीकेंड के बाद में भी उन्होंने सलमान खान ने कहा था कि कोई एक यू नो कंटेस्टेंट जो कॉर्नर हो जाता है, बट जिस वक्त उन्होंने कहा था कि यस सर मेरा यू नो एक फेस था जिस वजह से वो नहीं ओपन हो पा रही है, तो यही जाना था. यू नो जब वो कैप्टन बनती है तो वो काफ़ी अच्छे से खड़ी होती है, बट कहीं ना कहीं कैप्टनसी के बाद वो थोड़ा सा ओवरशैडो हो जाती है. हमें लगता है कि वो साजिद की वजह से हो रहा है या आई डोंट थिंक सो. बाकी वो शी इज़ इन साइड द गेम, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है. और उसने बहुत बार, आई थिंक एक बार लाइव फीड में भी मैंने सुना था कि वो ये बोल रही थी कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा 80 की स्पीड पे नहीं भगा सकते. सो कभी हम 20 की स्पीड पे बढ़ाएंगे, कभी हम 40 पे, कई बार बम्प्स भी आएंगे, कई बार टर्न्स भी आएंगे. तो ये जर्नी ऐसा ही है, किसी का भी ग्राफ कंसिस्टेंट हमेशा नहीं रह सकता. हर एक का ग्राफ ऊपर गया है और नीचे गया है. सो ऑल ऑफ अस आर शेड्स ऑफ ग्रे. कभी कोई ठीक है, कभी कोई गलत है, कभी कोई देर आर गुड डेज एंड बैड डेज. ये भी हमने उसको बहुत बार बोलते हुए सुना है. तो शी इज जस्ट बीइंग रियलिस्टिक यू नो, एंड देर मस्ट बी अ फेज व्हेन शी वाज ट्राइंग टू यू नो, बट आई थिंक शी इज बाउंस्ड बैक.
एंड ये कहना कि सिर्फ वो लीडरशिप रोल में ही शाइन करती हैं, वो उसको ग्रेसफुली एक स्टेप बैक भी लेती हैं। आप ये देखिए, अगर आपको बिग बॉस ने अगर आपको कैप्टन बनाया है, रानी बनाया है, और जब आप उस चीज़ से हट जाते हैं, वो ग्रेसफुली अपनी दायरे में आ जाती है, वो कैप्टन को ओवरशैडो करने की ज़रूरत नहीं समझती। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैच्योरिटी इज़ अबाउट आउट। जब आपको लीडरशिप रोल मिला है तब आप निभाइए, जब नहीं तो आप औरों की तरह ही, नॉर्मल कंटेस्टेंट्स की तरह ही अपने आप को कंडक्ट करें। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, इस बार इस सीज़न में यू नो हम पहली बार ऐसे देख रहे हैं जहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेंडशिप भी है, बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप भी, बॉन्ड भी कह सकते हैं। इस वक्त अब्दुल ने जब उन्हें यू नो रिलेशन कन्फेस किया था, प्यार लव अपना कन्फेस किया था, बट उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली यू नो उसे फ्रेंडशिप जोन में वो किया है, और काफ़ी बार उन्हें समझाने की भी कोशिश की है कि हम फ्रेंडशिप जोन में ही रहे और ना ही तो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ ऐसा कन्फेशन वगैरह देखा है। इट वॉज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल एक दूसरे का फीलिंग्स के लिए रिस्पेक्ट जो वो दिखाई दी है, कहीं किसी ने क्लियर कट वे में कुछ ब्लैक एंड वाइट में नहीं बोला, बिकॉज ये बहुत प्योर बॉन्ड है एंड आई वुड नॉट वॉन्ट एनीबडी टू यू नो जज देम ऑन दिस। इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग कि आप किसी को लाइक करते हैं, लेकिन आई थिंक बोथ ऑफ देम आर वेरी मेच्योर, लाइक अब्दू दैट वे इज़ वेरी मेच्योर, निमृत इज़ बहुत मेच्योर। उन्होंने ग्रेसफुली एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को इमोशंस को मद्देनज़र रखते हुए, वैल्यू करते हुए, बिना एक दूसरे को हर्ट किए ये रिजॉल्व कर लिया है इशू, और वो उसी फ्रेंडशिप के साथ आगे चलते जा रहे हैं। ओके, ये जानना चाहेंगे, यू नो बीच में ये न्यूज़ आ रही थी, ये रूमर है ये सच है, हम तो नहीं कह सकते, कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते, बट ये आपसे जानना चाहेंगे, माहिर पंडित जो है वो बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले, और ये कहा जा रहा था वो निमृत के बॉयफ्रेंड है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अगर वो जाते हैं तो निमृत का गेम कितना स्ट्रांग होगा? आई थिंक ये हमेशा र्यूमर्ड वर्ड हमेशा ही आता रहा है, राइट फ्रॉम द डे दे स्टार्टेड शूटिंग एज को एक्टर्स। सो निमृत और माहिर की एक प्योर फ्रेंडशिप का ही एक बॉन्ड है, और वेदर वो वाइल्ड कार्ड में जाते हैं नहीं, वो उनका डिसीजन है और चैनल का डिसीजन है, और आई डोंट थिंक सो आई वुड लाइक टू इंटरफेयर इन दैट। बाकी उसका गेम कैसे जाएगा ये तो जब वो जाएंगे तभी देखेंगे, कौन जाता है कौन नहीं जाता, इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट। लास्टली ये जानना चाहेंगे, जब आपने अपनी बेटी का ब्रेकडाउन देखा, व्हाट वाज योर रिएक्शन बाहर रहकर, यू नो जो कंसोल नहीं कर सकता अपने बच्चे को, क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे? दीज हैव बीन टफ टाइम्स, यू नो जब आप उसको देखते हो इस हाल में, बोथ मी एंड माई हस्बैंड ऑब्वियसली गॉट सेंटिमेंटल अबाउट इट, बट देन आई नो शी इज़ वेरी स्ट्रांग। आई लुक फॉर साइंस, जब मुझे वो लाइव फीड में वापस ठीक ठाक दिखती है या एपिसोड के दौरान ही दिखाई देता है कि वो ठीक है, सो दैट मेक्स मी ओके। एंड आई नो देर आर पीपल हु विल टेक केयर ऑफ हर, वेदर इट इज़ द हाउसमेट्स, वेदर इट इज़ द प्रोडक्शन पीपल, अगर कुछ ऐसे कुछ इमरजेंसी होगी तो वो मुझे ही बुलाएंगे। सो आई नो सिचुएशंस डू गेट यू नो अ लिटल difficult for her, but she's a very strong girl. She's a very, very strong girl, and she has shown it to everybody that she bounces back and is a very, very strong contender. Lastly, jaate jaate Nimrit ke fans and viewers ko aap kya kehna chahoge? Just thank you, thank you, thank you for all your love and support. Uske fans ka jaag jaag kar uske liye vote karna, reels banana, comments likhna, tweets likhna, trends karana, वो सब के सब जो को कहीं पे भी हैं, सब के लिए बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम मी एंड माय फैमिली, एंड थैंक यू सो मच। इसी तरह प्यार बनाए रखिए, शी इज़ ट्रूली ब्लेस्ड कि आप लोगों का सपोर्ट मिला हुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।